नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 19 सितंबर 2020 की 10 बड़ी भर्तियों के बारे में। इन सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 19 सितंबर 2020 की 10 बड़ी भर्तियों के बारे में। दोस्तों, इन भर्तियों के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं या आपके पास और भी अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो इन सभी भर्तियों के लिए आप अपनी योग्यता के अनुसार ही अप्लाई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी है और कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आज की सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखे हैं, आप लिंक वहां से ओपन कर सकते हैं। और आइए बात कर लेते हैं इन सभी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हां दोस्तों, आज की पहली भर्ती है इंडियन आर्मी की और इसमें पोस्ट का नाम है सोल्जर यानी कि सिपाही। और इसमें दोस्तों कैटेगरी के नाम है जनरल ड्यूटी, क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास या 12वीं पास। दोस्तों, इस भर्ती में 17.5 साल से 21 साल और 17.5 साल से 23 साल तक की एज लिमिट है। दोस्तों, इसमें वेरियस वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो सैलरी आपको इस बार रूल दी जाएगी। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है दोस्तों। 20 सितंबर से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 3 नवंबर 2020। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें फिजिकल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन रोहतक यानी कि हरियाणा है। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 2 है नेशनल हेल्थ मिशन की यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। और इसमें पोस्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की बीएससी नर्सिंग। दोस्तों, इस भर्ती में 21 साल से 40 साल तक एज लिमिट है और इसके लिए क्रूशल डेट है 1 जनवरी 2021। एज रिलैक्सेशन है, इस पर रूल दिया जाएगा दोस्तों। इसमें टोटल वैकेंसी है 3,800 यानी कि 3,800 वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको 15,000 प्लस सैलरी मिलेगी एज स्टाइपेंड। और इस भर्ती में कोई फीस नहीं है दोस्तों। 18 सितंबर से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2020। इस भर्ती में दोस्तों रिटर्न एग्जाम होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन मध्य प्रदेश है। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 3 है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की और इसमें पोस्ट का नाम है मेडिकल ऑफिसर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की MBBS। दोस्तों, इस भर्ती में 22 साल से लेकर 47 साल तक एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन है, इस पर रूल दिया जाएगा दोस्तों। टोटल वैकेंसी है 2,000। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको लेवल 14 की सैलरी मिलेगी। आपका पे स्केल होगा 15,600 से लेकर 39,100। दोस्तों, इस भर्ती में 2,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक फीस है। 16 सितंबर से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 24 सितंबर 2020। इस भर्ती में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन राजस्थान है। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 4 है PSC की यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की और इसमें पोस्ट का नाम है पर्सनल असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास या 12वीं पास। दोस्तों, इस भर्ती में 18 साल से 41 साल तक एज लिमिट है और इसके लिए क्रूशल डेट है 16 अक्टूबर 2020। एज रिलैक्सेशन है, इस पर रूल दिया जाएगा दोस्तों। इसमें 100 वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 5,700 से लेकर 24,000 प्लस GP 2,800 रुपये। इस भर्ती में दोस्तों 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक फीस है। 24 सितंबर से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2020। इस भर्ती में एग्जाम तथा स्किल टेस्ट होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन त्रिपुरा है। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 5 है IFFCO की और इसमें पोस्ट का नाम है दोस्तों AGT यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की भर्ती होने जा रही है दोस्तों इसमें। और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 4 ईयर्स BSc एग्रीकल्चर। इसमें दोस्तों 30 साल एज लिमिट है एज ऑन 1 अगस्त 2020। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा दोस्तों। इसमें वेरियस वैकेंसी है और आपको सैलरी मिलेगी 33,300 एज स्टाइपेंड।
दोस्तों इस भर्ती में कोई फीस नहीं है। 23 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा दोस्तों। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन ऑल इंडिया है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 6 है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। दोस्तों इसमें अप्रेंटिस की भर्ती होनी जा रही है और इसमें ट्रेड के नाम है असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ऑपरेटर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर और इसके अलावा और भी ट्रेड की भर्ती है। दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की आरटीआई या डिग्री। इसमें दोस्तों 800 वैकेंसी है। सैलरी मिलेगी आपको 7,700 से लेकर 9,000 रुपये। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है दोस्तों। 21 सितंबर से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन सूरत यानी कि गुजरात है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 7 है पुलिस डिपार्टमेंट की और इसमें पोस्ट के नाम है पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर तथा फायरमैन। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास। दोस्तों इस भर्ती में 18 साल से 24 साल तक एज लिमिट है एज ऑन 1 जुलाई 2020। इसमें टोटल वैकेंसी है 10,906। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 18,200 से लेके 52,900। इस भर्ती में 130 रुपये फीस है दोस्तों और इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 26 अक्टूबर 2020। 26 सितंबर से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें रिटर्न तथा फिजिकल टेस्ट होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन तमिलनाडु है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 8 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और इसमें पोस्ट का नाम है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर। इसमें वेरियस स्ट्रीम की भर्ती होने जा रही है दोस्तों। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या पीएचडी। दोस्तों इस भर्ती में एज लिमिट है 40 साल 45 साल तथा 25 साल से 35 साल तथा 25 साल से 40 साल। इसमें 92 वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी आपको इस पर रूल दी जाएगी और इसमें 750 रुपये फीस है दोस्तों। 18 सितंबर से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2020। इस भर्ती में इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन ऑल इंडिया है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 9 है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की और इसमें पोस्ट के नाम है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट और इसके अलावा भी वैकेंसी है दोस्तों। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें 282 वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी मिलेगी आपको 15,000 से लेकर 20,000 प्लस चाहिए। इस भर्ती की लास्ट डेट है दोस्तों 24 सितंबर 2020। ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा और दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन पंजाब है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 10 है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की और इसमें पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट एंड इसके अलावा भी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 12वीं पास, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री। दोस्तों इस भर्ती में 30 साल तथा 35 साल तक एज लिमिट है। इसमें वेरियस वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी मिलेगी आपको 18,000 से लेकर 48,000 तक। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है दोस्तों और इस भर्ती की लास्ट डेट 20 सितंबर 2020 है। ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ईमेल से अप्लाई करना है और इसका लोकेशन है असम। तो दोस्तों ये था शॉर्ट डिटेल आज के 10 बड़ी भर्तियों का। और इन केस आप इन भर्तियों में से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है इन केस यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।